Hey guys, welcome to Tourism Bharat. I'm Ankit and with me I have my friend, मेरे दोस्त अंकुश. Hi friends. So हम लोग साथ में जगह एक्सप्लोर करते हैं and आज न्यू ईयर की शाम है and हम लोग हैं पावना लेक कैंपिंग में, जो कि मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और ये एक बहुत ही अच्छी प्लेस है एंड पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड हियर. यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन. तो शाम को 4 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है और मतलब काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं. इस जगह का नाम है वाटर एंड वुड्स, इस पर्टिकुलर प्लेस का हमको जो बताया एंड आई थिंक यहाँ पे आना बनता है. यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत ही कमाल का है. वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर. यहाँ पे न्यू ईयर का जो एम्बियंस, लाइटिंग और पूरा अरेंजमेंट जो है, जो इन लोगों ने किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड आई होप दैट यहाँ पे जब आप लोग आएंगे यू गाइज विल लाइक इट. और बहुत ही मतलब मेरे को लगता है बहुत ही मिनिमम रेट पे इन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं. मतलब इफ़ यू कम इन वीक डेज सो द चार्जेस विल बी 1800 bucks, और अगर वीकेंड पे आते हैं आप लोग तो चार्जेस 2000 के करीबन होते हैं, विच इज़ क्वाइट चीपर. इसमें खाना भी इंक्लूड है, आपका डांस, म्यूज़िक वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, और टेंटेज फैसिलिटीज़ भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे. इट्स क्वाइट कूल प्लेस यंगस्टर्स के लिए एंड स्पेशली जो लोग वीकेंड्स पे रिलैक्स करना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है. एंड आई थिंक दैट यू गाइज शुड विजिट दिस प्लेस. दिस प्लेस इज़ रियली कूल. सो इसकी फुटेजेस जो हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी एंड वी होप दैट you will like this video, and if you will like it, please subscribe to our YouTube channel and share this video with your friends. सो गाइज ये यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पे लोग न्यू ईयर की पार्टी के बाद में रुके हुए हैं. बहुत ही प्यारा एम्बियंस है. मॉर्निंग टाइम में जब आप देखेंगे तो रियली में आपको बहुत मज़ा आएगा. ये यहाँ पे लेक है. अभी इस टाइम पे आपको नहीं दिख रही होगी, मे बी आप शायद इसका रिफ्लेक्शन देख पाएँ, बट यहाँ पे लाइट बहुत कम है. बट मॉर्निंग टाइम में जब हम आपको इसकी फुटेज दिखाएंगे तो आई एम श्योर आपको लगेगा कि इस जगह पे बॉस आना बनता है. ये दूर से ही इस जगह का एम्बियंस है एंड इट्स रियली गुड, अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर मुंबईकर्स एंड पीपल हु आर विजिटिंग मुंबई. इट्स नॉट दैट फार, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं. हम लोग अपनी व्हीकल से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं एंड इट्स रियली रियली गुड. यू गाइज विल रियली लाइक दिस प्लेस. पावना लेक कैंप बोलते हैं इस एरिया को एंड गूगल पे आप डालेंगे तो यू कैन ईजिली नेविगेट टू दिस प्लेस. इस प्लेस में आप वाटर एंड वुड्स पे हम लोग रुके हुए हैं. यहाँ पे और भी बहुत सारे कैंप्स हैं. वो दूर जहाँ पे लाइटिंग्स आप देख रहे हैं वहाँ पे सब जगह पे इस तरह के लेक के चारों तरफ में कैंप्स हैं एंड आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं. बहुत, जैसा मेरे दोस्त अंकुश ने बताया, बहुत रीजनेबल चार्जेस में यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं एंड इट्स रियली गुड. बहुत मज़ा आएगा आपको एक वीकेंड गेटवे के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। बाकी फुटेज मॉर्निंग में। गाइज मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। यहाँ पावना लेक कैंप में हम लोग हैं, वाटर एंड वुड्स में, और ये लेक साइड व्यू है जिस व्यू की मैं बात कर रहा था, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये देखिए, यहाँ पे रात को न्यू ईयर पार्टी हुई थी। जो व्यू है बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग यहाँ पे आएंगे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, और एक बजट फ्रेंडली वीकेंड गेटवे है। यहाँ पे कैंप्स में लेक के पास में रहने का अपना ही एक अलग मज़ा है। यहाँ पे पार्टी के बाद में बहुत सारे लोगों ने बॉनफायर किया है, एंड it's really a good place to be at। and जो महाराष्ट्र की नेचुरल ब्यूटी है उसको आप यहाँ पे अच्छे से फील कर सकते हैं। देखिए वो सामने पहाड़ी है, ये लेक है, और बहुत 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 ब्यूटीफुल जगह है ये।